महागठबंधन के घटक दलों कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल एवं वाम दलों ने सोमवार को एनडीए की नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। जी हां, शाम 4:30 बजे से राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शिरकत नहीं की। तेजस्वी ने कहा कि जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है, हम जन प्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। जी हां, आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया गया कि पार्टी शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर रही है। बदलाव का जनादेश एनडीए के खिलाफ आया, जिसे शासन के आदेश से बदल दिया गया। ट्वीट में आगे लिखा गया कि बिहार के बेरोजगारी, किसानों, संविदा कर्मियों और नियोजित शिक्षकों से पूछे कि इस फर्जीवाड़े से उनके ऊपर क्या गुजर रही है। जनता में आक्रोश है, जन प्रतिनिधि होने के नाते हम जनता के साथ खड़े हैं। जी हां, बिहार कांग्रेस ने भी नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से किनारा कर लिया। जी हां, पार्टी ने फैसला किया कि जिस सरकार ने बिहार के जनमत की चोरी की है, वैसी सरकार के शपथ में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। राजभवन में आयोजित इस समारोह में शामिल होने के लिए स्थापित परंपरा के अनुसार विपक्ष को भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन विपक्ष ने समारोह के विरोध का फैसला किया। जी हां, बिहार चुनाव समिति के सदस्य और विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि बिहार की जनता ने बदलाव के संकल्प के साथ विधानसभा चुनाव में वोट किया, लेकिन सरकार के निर्देश पर प्रशासनिक तंत्र ने महागठबंधन की जीत को हार में बदलने की साजिश की, बिहार के जनमत की चोरी की गई। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने जनता के जनादेश को बदलने की साजिश की, वैसी सरकार की शपथ में शामिल होने का कोई मतलब नहीं बनता है। जी हां, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट।